सभी मेरे साथ प्रतिज्ञा दोहराएंगे। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं नेट जेआरएफ की परीक्षा इस बार पार करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ मैं विश्व में योग का पताका फहराऊंगी। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध है। ओम ओम ओम। मेरी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओ ओम ओम। शांति शांति शांति। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी अपना माइक ओपन कर करके जब मैं सवाल पूछूं तो प्लीज रिप्लाई करें, ताकि ये सेशन इंटरेक्टिव रहे। ऐसा ना हो कि सिर्फ मैं ही बोलती रहूं। तो आप सभी ने अपना सिलेबस तो देखा ही होगा। सिलेबस के पेपर टू में आप बता सकते हैं कि ये कौन से यूनिट में है हमारा डाइट एंड न्यूट्रिशन? कोई माइक ओपन करके रिप्लाई करें। छठी यूनिट में हाँ, तो हम पढ़ने जा रहे हैं डाइट एंड न्यूट्रिशन, जो हमारे पेपर टू के सिक्स्थ यूनिट में है। उसका जो थर्ड सेक्शन है वो डाइट एंड न्यूट्रिशन का है। तो आप सभी अपने सिलेबस को एक बार ध्यान से देखेंगे। मैंने देखिए, सिलेबस में यहाँ पे है 5 यूनिट, इसको मैंने 6 चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6। तो एक बार हम इसे देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। ये चैप्टर 1। चैप्टर 1 के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे फूड और न्यूट्रिशन के बारे में, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में, उसके डेफिनेशंस के बारे में। यहाँ पे हम देखेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है, उसकी टर्मिनोलॉजी क्या होती है, और ह्यूमन न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट क्या होता है। आप सभी ने ये देखा होगा कि हर इंसान की जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट होती है वो अलग अलग होती है। जो लेबर क्लास के इंसान होते हैं, जो दिन भर कठिन परिश्रम करते हैं, वो अधिक कैलोरी इंटेक करते हैं, और जो युवा वर्ग के होते हैं उनकी कैलोरी इंटेक अलग होती है, बूढ़े बुजुर्ग उनकी कैलोरी इंटेक अलग होती है, बच्चों की कैलोरी इंटेक अलग होती है, प्रेग्नेंट लेडी की कैलोरी इंटेक अलग होती है। इस प्रकार हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। हम कॉन्सेप्ट ऑफ फूड के बारे में पढ़ेंगे, एक्सेप्टेंस ऑफ फूड के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ फूड। हाँ, फूड जो हम सब खाते हैं उसके क्या क्या फंक्शन है, इसके बारे में हम ध्यान से पढ़ेंगे, और कंपोनेंट्स ऑफ फूड और उसके क्लासिफिकेशन। फिर हम जाएंगे सेकेंड चैप्टर में। सेकेंड चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स के टाइप्स के बारे में और उनके फंक्शन के बारे में। तो कोई माइक ओपन करके मुझे बता सकता है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? मैम, बोलिए। जो हमें ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, आई थिंक सो, और जो आपने विटामिन्स भी कहा क्या? आई यस मैम कहा तो है, विटामिन्स हाँ, एक्चुअली नहीं होगा, आई थिंक हाँ, प्रोटीन्स विटामिन्स होगा, नहीं फैट्स होगा। होगा, कार्बोहाइड्रेट्स। हाँ, मैक्रो मतलब ज्यादा। तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमें ज्यादा अमाउंट्स में चाहिए होते हैं, ठीक है? तो तो मैम वो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स आएगा? हाँ, पर विटामिन्स नहीं आएंगे, ठीक है? और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमारे बॉडी में कम अमाउंट में जरूरी होते हैं। जैसे कि क्या क्या कम जरूरी होता है, मतलब जरूरी वो भी है, ऐसा नहीं है कि कम जरूरी है, मतलब कम अमाउंट में इंटेक करना है। विटामिन है, मिनरल्स है। विटामिन्स मिनरल्स हैं। अच्छा, एक बार और फिर कोई माइक ओपन करके मुझे ये बता दीजिए कि विटामिन के नाम क्या क्या है। किसी को पता है कि कौन कौन से विटामिन है हमारे बॉडी में? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ई तक है ना मैम, के भी है, विटामिन के भी है ना, के और ई भी होता है वैसे तो। हाँ, ए बी सी डी, विटामिन डी भी है, ई है, के है, विटामिन के। ठीक है। मैम मैम, फैट सोल्युबल विटामिन्स है और वाटर सोल्युबल विटामिन्स है। अच्छा ठीक है, तो ये जो फैट सॉल्यूबल है और वाटर सॉल्यूबल है वो यहाँ पे है, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में। फैट सॉल्यूबल विटामिन और वाटर सॉल्यूबल, इसको न्यूट्रिएंट्स का पार्ट दे दिया है, क्योंकि ये इन दोनों के ही पार्ट्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के। एक सेकंड, तो ये
इसका ही पार्ट है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। इन सब के हमारे शरीर में क्या क्या आवश्यकताएं हैं, ये क्या फंक्शन करते हैं, हम ये सब चीज इसी यूनिट में पढ़ेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि कोई विटामिन्स या कोई मिनरल्स अगर हमारे शरीर में एक्सेसिव अमाउंट में हो जाए तो उससे क्या डिसीजेस होती है, और अगर वो उसकी कमी हो जाए तो उससे क्या डिसीज होती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस यूनिट का। इसके बाद हम पढ़ेंगे एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में और रोल्स के बारे में। ये थर्ड चैप्टर, थर्ड चैप्टर तो आप सभी ने पढ़ा ही होगा, यूनिट योगिक कॉन्सेप्ट ऑफ डाइट और इररिलेवेंस इन मैनेजमेंट। तो हम इसको ओवरव्यू करेंगे, और जितने भी आपने जितने हठ योग प्रदीपिका में पढ़े हैं, भगवद गीता में पढ़े, सबको समअप करके एक बार फिर से पढ़ेंगे ताकि ये अच्छे से हमें कंठस्थ हो जाए। फिर फोर्थ चैप्टर में है न्यूट्रिएंट प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ डाइट। डाइट के जो प्रिंसिपल्स है उसके बारे में पढ़ेंगे, बैलेंस डाइट के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। और ये चीज जो है फिर से रिपीट हो रही है सेकेंड चैप्टर से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, सोर्सेस, न्यूट्रिटिव वैल्यू, इंपॉर्टेंट मिनरल, कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस, विटामिन, ये सब चीज पीछे हम पढ़ चुके हैं। फिर चैप्टर 5 फूड ग्रुप्स के बारे में पढ़ा जाएगा, जिसमें सीरियल्स, मिलेट्स, उसके सेलेक्शन प्रोसेस कैसे उसको सेलेक्ट करते हैं, कैसे उसे बनाया जाता है, उनके न्यूट्रिटिव वैल्यूज क्या हैं, पल्सेस क्या होते हैं, नट्स क्या होते हैं, ऑयल के प्रिपरेशन कैसे होते हैं, सीड्स, सेलेक्शन, प्रिपरेशन, न्यूट्रिटिव वैल्यू, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। मिल्क प्रिपरेशन, मिल्क के बारे में, वेजिटेबल और फैट ऑयल, शुगर, हनी, स्प्राउट्स, इन सब के बारे में पढ़ा जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट चैप्टर जो है वो है फूड और मेटाबॉलिज्म के बारे में। यहाँ पे हम पढ़ेंगे एनर्जी की जो बेसिक कॉन्सेप्ट होती है, डेफिनेशन होती है, एनर्जी रिक्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये पढ़ेंगे कि एनाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म ये क्या होता है, और कैलोरी रिक्वायरमेंट। किसी को बीएमआर की फुल फॉर्म पता है? बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास आर फॉर बेसिक बॉडी मास मेटाबॉलिक इंडेक्स रेट, का तो कुछ और ही होगा ना, वो बीएमआई होता है। बेसिक मेटाबॉलिक रेट, और एसडीए का स्पेसिफिक डेंसिटी ऐसा कुछ है। डायनेमिक है, स्पेसिफिक। एसडीए का फुल फॉर्म होगा स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो ये सब चीजें जितनी कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन के बारे में आएगी, इसको हम एक साथ सेकेंड चैप्टर में पढ़ लेंगे। फिर फैक्टर अफेक्टिंग एनर्जी एंड रिक्वायरमेंट, इसे पढ़ा जाएगा, और बीएमआर के बारे में पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। तो एक सेकेंड, मैं बैक करती हूँ, ठीक है। अब आप सभी मुझे बताइए फूड क्या होता है, सबने फूड इंटेक किया है, फूड की डेफिनेशन क्या होती है, या फिर फूड आप नॉर्मली किसे कहते हैं, अपना अपना माइक ओपन करके बोल सकते हैं ताकि ये इंटरेक्टिव सेशन रहे। इस मेरी आवाज आ रही है? विच वी कंज्यूम फॉर कन्वर्टिंग रिक्वायर्ड एनर्जी टू डू द डेली वर्क। ओके, और कोई? खाना जो होता है जिसमें पूरी मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, शरीर को जो जो भी चीजें आवश्यक है वो हो, उसे हम खाना कहेंगे या भोजन या फूड कहेंगे। फूड फूड से शरीर की वृद्धि होती है मैम। ठीक है, और कोई? अपनी कोई भी, उसमें विटामिन हो, न्यूट्रिशन हो, कार्बोहाइड्रेट हो और वसा हो, और ये सब सारी चीजें होनी चाहिए फूड में। और इससे खाने से क्या होगा, शरीर की वृद्धि होगी और शरीर को ऊर्जा मिलेगा। मैम, फूड इज एनी सब्सटेंस कंज्यूम्ड टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन सपोर्ट फॉर एन एनिमल और प्लांट और ऑर्गेनिज्म लाइक दैट। अच्छा, आप ये डेफिनेशन कहीं से देख के पढ़ रहे हैं क्या? मैंने ये देख मैम पहले देख के पढ़ी थी, ये तो मुझे याद थी ये। अच्छा ठीक है, तो अब हम अपनी साइड में जाते हैं। किसी और कोई कुछ बोल रहा भी है? किसी भी लिविंग बीइंग की लाइफ की ग्रोथ के लिए या
उसको मेंटेन करने के लिए उसको जिस भी चीज की जरूरत होती है, जो उसके लाइफ को बढ़ाए, ग्रोथ को करे, तो उसको फूड कहते हैं, जिससे उसे एनर्जी मिले, ग्रोथ मिले। ठीक है, आप सभी ने सही डेफिनेशन बोली है। एक बार हम अब स्लाइड में जाते हैं, फ्रूट की डेफिनेशन क्या है। फूड क्या होता है? द टर्म फूड रिफर्स टू एनीथिंग व्हिच नरिशेस द बॉडी। इट वुड ऑब्वियसली इंक्लूड सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड व्हिच कैन बी कंज्यूम विद एंड व्हिच हेल्प सस्टेन द बॉडी एंड कीप हेल्दी। फूड क्या है? जो हमारे बॉडी को नरिश करता है। वो सॉलिड भी होता है, सेमी सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, और वो हमारे बॉडी को सस्टेन रखता है और हेल्दी रखता है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि हम सब जो भोजन करते हैं, क्या वो सभी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला कि फूड्स में प्रोटीन होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, क्या फूड में सभी चीज न्यूट्रिशियस होती है या फिर कुछ नॉन न्यूट्रिशियस भी हम खाते हैं? नाम भी होता है, सभी कुछ होता है, खाते हैं। एवरीथिंग इज देयर डिपेंडिंग अपॉन व्हिच टाइप ऑफ फूड यू आर टेकिंग। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन यही है। वी ऑल नो एक सेकेंड ना वी ऑल नो दैट फूड इज अ बेसिक नेसेसिटी। हैव यू एवर वंडर व्हाई फूड इज एसेंशियल? बिकॉज इट कंटेन्स सब्सटेंस व्हिच परफॉर्म्स इंपॉर्टेंट फंक्शन इन अवर बॉडी। दिस एसेंशियल सब्सटेंस कंट्रीब्यूट बाय अवर फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इफ दोज न्यूट्रिएंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन द फूड इन सफिशियंट अमाउंट, द रिजल्ट इज इल हेल्थ एंड इन सम केसेस इट कैन कॉज डेथ। फूड ऑल्सो कंटेन मेनी सब्सटेंस विच आर नॉन न्यूट्रिएंट्स, एग्जाम्पल कलरिंग फ्लेवरिंग इन द सब्सटेंस। ठीक है, तो फूड्स में ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे बॉडी में यूजफुल होते हैं, हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होते हैं, और उसे हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। मैम जो लिखा है एनीथिंग व्हिच नरिशेस द बॉडी, तो मैम जो लिखा है फूड इज दैट व्हिच नरिशेस द बॉडी, तो हाँ, हम वाटर को भी बोल सकते हैं फूड, ऑक्सीजन को वाटर। नहीं बोलते। वाटर एक्चुअली, वाटर को फूड बोलना पता नहीं, पर उसको न्यूट्रिएंट्स बोल सकते हैं कि वो हमारे न्यूट्रिएंट्स में आता है वाटर, क्योंकि हमारी बॉडी 65% हमारे वाटर से ही बनी होती है। ये हम सभी ने पढ़ा है ना ये कॉन्सेप्ट, कि हमारे शरीर का कैसे होगा। ठीक ये डेफिनेशन में लिखा है ना एनीथिंग व्हिच नरिश द बॉडी, तो इसलिए हम नहीं, मुझे आपकी बात नहीं समझ में, एक बार और बोले। जैसे डेफिनेशन में लिखा है एनीथिंग दैट नरिशेस द बॉडी, तो इसके अंदर भी वाटर भी आ जाएगा। हाँ, वो तो आएगा ही, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग वाले डेफिनेशन में ये भी लिखा है ना कि फूड कैन बी सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड्स, जी वो आएगा। ठीक है, अब हम सेकंड पेज में चलते हैं। तो वाटर को भी मैम बोल सकते हैं फूड। एक सेकंड। तो अब हम डेफिनेशंस ऑफ फूड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट डेफिनेशन है फूड इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स एंड नॉन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, फूड के अंदर जरूरी नहीं है कि सारी चीज न्यूट्रिएंट्स हो, उसमें कुछ नॉन न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जैसे कि कलर्स डालते हैं हम, वो सब नॉन न्यूट्रिएंट्स के अंदर आएंगे। ऑल द सॉलिड लिक्विड फूड विच इज ईटन और ड्रंक बाई अस, एडिबल, इजिली डाइजेस्टेड बाई बॉडी, गिव्स अस एनर्जी, हीट, प्रमोट ग्रोथ, रिपेयर टिश्यू एंड नरिशेस अवर बॉडी इज कॉल्ड फूड। ठीक है, आप लोगों को समझ आ रहा है ना? यस मैम, यस मैम, यस। शुभांगी जोशी जी के द्वारा एक डेफिनेशन है कि फूड जो होता है वो एक बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ होता है। फूड नरिशेस अवर बॉडी। फिर उसके बाद हम उषा टंडन जी की डेफिनेशन पढ़ेंगे। एक सेकंड, एक लेजर यूज कर लेते हैं। फूड इज दैट विच नरिशेस द बॉडी। डिफरेंट फूड आर अलाइक इन देयर एबिलिटी नरिश, बिकॉज ईच फूड डज नॉट कंटेन आइडेंटिकल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसका मतलब ये है कि हर फूड में
अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सब में एक जैसे न्यूट्रिएंट्स नहीं हो सकते। जब आप अलग अलग सब्जियों का ही नाम देख लेते हैं, अगर आलू की सब्जी खाएंगे तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू अलग होगी, और दूसरी सब्जी पनीर की सब्जी खाएंगे तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू अलग होगी। तो डिफरेंट फूड आर अलाइक विद एबिलिटी ऑफ नरिश, हर फूड नरिश तो करता है पर उनकी जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है वो अलग अलग होती है। ठीक है, ये एक डिक्शनरी के द्वारा डेफिनेशन है, व्हाट वन फीड ऑन, व्हाट कैन बी डाइजेस्टेड एंड विच सस्टेन और प्रमोट गोल्ड आर कॉल्ड फूड। जो जिसे हम खाते हैं, जो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, जिससे हमारी ग्रोथ होती है, उसे फूड कहते हैं। ठीक है, अब हम फंक्शंस ऑफ फूड के बारे में पढ़ेंगे। आपको ये टेबल समझ दिख रहा है ना? यस मैम। हाँ, तो ये फंक्शंस ऑफ फूड है। फंक्शन फूड के तीन प्रकार के फंक्शन है, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल। तो फिजियोलॉजिकल के अंदर चार चीजें आ रही है यहाँ पे, एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग, प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन। फूड जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारी शरीर का निर्माण करता है, प्रोटेक्शन का कार्य करता है और रेगुलेट करता है। और उसी प्रकार फूड का एक साइकोलॉजिकल पार्ट भी है और सोशल पार्ट भी है, उसे हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो इस स्लाइड को मैं बाद में पढ़ाऊंगी, इससे पहले इन सबको पढ़ते हैं। ठीक है, जो फूड होता है, फूड इज यूटिलाइज इन अवर बॉडी टू गिव एनर्जी। हमारे जितने भी फंक्शन है, हम चलते हैं, स्टैंड खड़े रहते हैं, भागते हैं, बैठते हैं, जो भी फंक्शन है, इवन जो हम कुकिंग करते हैं, खाना बनाते हैं, या फिर जो कपड़े सिलते हैं, गार्डनिंग करते हैं, सब में एनर्जी रिक्वायर होती है। जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसमें भी एनर्जी रिक्वायर होती है। आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं फिर आपको बहुत तेज भूख लगती है, या फिर ये भी नहीं तो मतलब मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं मतलब जिस दिन हमारे क्लास में बहुत ज्यादा वर्कआउट होता है उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि अब बहुत भूख लग रही है। तो ऐसा आप सभी ने भी फील किया होगा। तो जो हम काम करते हैं, जहाँ पे हम एनर्जी कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद हमें भूख लगनी शुरू होती है। तो देखिए, दिस इंडिकेट्स दैट, फिर लेजर गायब हो गया। दिस इंडिकेट्स दैट ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी एनर्जी इज यूज इन अवर बॉडी। फिर उसके बाद देखेंगे कि अपार्ट फ्रॉम दिस, एनर्जी और भी चीजों में यूज होती है, जैसे इनवॉलेंट्री फंक्शंस में, ब्लड सर्कुलेशन में, रिस्पिरेशन में, डाइजेशन में, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में, एक्सक्रिएशन में, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, इन सब में भी एनर्जी का यूज होता है। ठीक है, तो अब ये एनर्जी कौन से न्यूट्रिएंट्स देते हैं, इनके बारे में भी जानना जरूरी है। तो द एनर्जी गिविंग फंक्शन इज बेसिकली परफॉर्म्ड बाय टू न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। दिस इज व्हाई दिस न्यूट्रिएंट इज आल्सो रेफर्ड एज बॉडी फ्यूल। ठीक है, तो ये जो मैंने इसको रेड मार्क किया है, इससे क्वेश्चन आए थे एक बार। वो क्वेश्चन कुछ इस तरह था कि हमारी बॉडी में जो एनर्जी प्रोवाइड करती है उसको, उन्होंने एनर्जी प्रोवाइड नहीं लिखा था, उन्होंने कुछ और ही लिखा था कि कार्य क्षमता, एक सेकंड में देख के बता देती हूँ। ऊर्जा का संग्रह, ऊर्जा का संग्रह ऐसे ही कुछ था, मुझे अभी एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा है। वैसे ही लग रहा है मैम मुझे भी, संग्रह तो ये हो गया ना, अकोमोडेशन हो गया, फैट को स्टोर कर, मतलब रुको एक सेकंड ना, ठीक है, मैं कल से इसको ना एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पे रखती हुई रहूंगी, अभी तो मुझे वो मिल नहीं रहा है क्योंकि मैंने 2-3 दिन पहले देखा था। हाँ, ये कुछ अलग सा क्वेश्चन है, शरीर सौर ट्रस्ट के वर्गीकृत भोजन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ आता है। मतलब देखिए, जो बलवान, शरीर को बलवान कौन सा बनाता है, ये एक्चुअली इस पॉइंट में से नहीं आया था, इस पॉइंट में से आया था, जो ये बॉडी बिल्डिंग वाला है ना, यहाँ से। तो आप एक चीज ध्यान रखेंगे, जब भी आप PYQ पढ़ते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो जैसे पिछले साल क्वेश्चन आए थे उससे कुछ थोड़ा सा चीजें को चेंज करके अलग से क्वेश्चन आ जाता है। जैसे इस बार अगर आ गया कि ऊर्जा प्रदान करने वाले न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, तो आप क्या क्या लिखेंगे, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट को टिक करना है। ठीक है, या फिर यहाँ पे सोर्सेस के नाम लिख दिया जाएगा, जैसे चावल है
और फैट का जो भी सोर्स होगा इनको मेंशन कर दिया जाएगा, उसे टिक करना रहेगा। मतलब क्वेश्चन एकदम सिंपल से नहीं पूछेंगे जो ये चीज आपने पढ़ ली ये एग्जाम में आ गई, यहाँ पे कुछ ट्रिक यूज करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ये पेज समझ में आया सबको? मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाऊँ? ठीक है, यस मैम। तो ये उसी का कंटिन्यूड पार्ट है। अवर फूड कंटेन कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन विच प्रोवाइड अस एनर्जी टू डू वर्क, ऑफ दिस वी एक्चुअली मीट मोस्ट ऑफ एनर्जी नीड्स कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट से पूरी होती है। However, when two nutrients are present in inadequate amount and cannot meet our body demands, protein are also metabolized to give energy. ठीक है, तो प्रोटीन भी एनर्जी प्रोवाइड करता है। If you take same weight of each carbohydrate, fat and protein, fat give us twice amount of energy as compared to carbohydrate and protein. ये चीज जो रेड में लिखी है ये आती है कि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है, 4 किलो कैलोरी। 1 ग्राम ऑफ फैट कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है, 9 किलो कैलोरी। और 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है, 4 किलो कैलोरी। ठीक है, तो मैं अभी आप लोगों से इसको ध्यान से एक बार पढ़ लें, फिर इसी से क्वेश्चन पूछने वाली हूँ अभी। मैम ये सेम है क्या, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का 4 किलो कैलोरी? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों का सेम है और फैट का 9 है। ये मैंने प्रोटीन का थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा था, मतलब 4.4 कुछ ऐसे। अच्छा, एक्चुअली मैंने जहां से पढ़ा वहां पे ये 4 लिखा था, ये अप्रोक्स में दिया है, इसलिए देखो यहां पे। अच्छा अच्छा, हां अप्रोक्सीमेटली। हां मैम, ओके ओके मैम, एक बार इसे याद करें आप। मैं ठीक है, मैं इसी से अभी आपसे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। आप सभी ने ये याद कर लिया, अब मैं इसको बंद करके आपसे ये क्वेश्चन पूछती हूँ। ठीक है, आप सभी एक्टिवली जवाब दीजिएगा। अगर हम 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट इंटेक कर रहे हैं तो कितनी कैलोरीज इंटेक कर रहे हैं? 36। एक सेकेंड ना, मैं जिससे पूछूंगी वो जवाब देंगे। ठीक है, एक मिनट बस, मुझे ये नाम पता चल जाए। विशाल सिंह जी जवाब दें। क्वेश्चन एक बार रिपीट कीजिए ना प्लीज। हाँ हाँ ठीक है, मैं बोलती हूँ। अगर हम 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, ठीक है, तो हम कितनी कैलोरी इंटेक कर रहे हैं ये बताइए। मैंने जो चीज अभी आपको पढ़ाई क्वेश्चन भी उसी से ही पूछ रही हूँ। एकदम सही। अब आप मुझे ये बताइए कि मैं 4 ग्राम फैट इंटेक कर रही हूं तो मैं कितनी कैलोरीज इंटेक कर रही हूं? 36। ठीक है, मैम प्रोटीन बोला ना आपने? मैंने फैट बोला था अभी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉन्सेप्शन, इसे ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, मैं एक सब्जी कंज्यूम कर रही हूं जिसमें 2 ग्राम प्रोटीन है, 4 ग्राम फैट है और 3 कार्बोहाइड्रेट्स है, तो आप मुझे बताइए कि मैंने कितना कैलोरी इंटेक किया। क्या आप सभी सुन पाए? कार्बोहाइड्रेट कितना बोले? 12 + 36 + 56। आप सभी बहुत अटेंटिव है, मतलब आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इतने डीप क्वेश्चन नहीं पूछते पर फिर भी मुझे ये चेक करना था कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक है मैम, क्या ये डीप क्वेश्चन हुआ? नहीं मैम, ये डीप नहीं हुआ मैम, मुझे लगता है। नहीं पर पता है इससे भी ऊपर लेवल के क्वेश्चन आते हैं, आपको इतना डरने की जरूरत नहीं। बस वो ये याद करना है कि डेफिशिएंसी, किस फूड की डेफिशिएंसी में क्या होता है, मतलब वो सब याद करने की जरूरत है। ठीक है, तो हम चीजों को ज्यादा से ज्यादा याद करने की कोशिश करेंगे, ये चीज सबको याद रहनी चाहिए। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। बॉडी बिल्डिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो हम पढ़ेंगे बॉडी बिल्डिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। आप सभी ने देखा है कि जो बच्चे बड़े होते हैं उनकी वेट भी बढ़ती है और हाइट भी बढ़ती है, तो दिस कैन बी पॉसिबल इफ वी ईट्स राइट अमाउंट ऑफ फूड एंड राइट टाइप ऑफ फूड। तो ये जो पर्टिकुलर फंक्शन होता है इसे बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग ऑफ फूड, बॉडी बिल्डिंग फंक्शन ऑफ फूड। इन अवर बॉडी नॉट ओनली ए न्यू सेल्स एंड टिश्यू बीइंग फॉर्म एवरी मोमेंट बट ऑल्सो द ओल्ड वन आर कंटिन्यूसली डिसइंटीग्रेटिंग। इसका मतलब ये हुआ कि जो हर मोमेंट पे हमारे बॉडी पे न्यू सेल्स एंड टिश्यू फॉर्म हो रहे हैं और पुराने की डेथ भी हो रही है। अभी आप जो एनाटॉमी में पढ़ रहे हैं टिश्यूज उन सब की बात हो रही है। फूड हेल्प्स इन द रिपेयर्स ऑफ बर्न टिश्यूज एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिश्यू रिजल्टिंग इन बॉडी ग्रोथ। Although all nutrients helping the function, major area are protein, minerals and water. अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे energy giving function कौन कौन करते थे? Carbohydrates and fats. हाँ, body building function इसी में करते हैं protein, minerals and water. ठीक है, इसे क्या हुआ? Water is one of the chief component of each body cell and it forms 65% of our body weight. जो starting में किसी ने मुझसे पूछा था ना कि food के अंदर water आएगा कि नहीं, तो water भी आता है, वो nutrients का part है समझ सकते हैं, पर वो food के अंदर भी आता है और वो हमारी body building function में काम करता है। This indicate how important water is in building of body. Similarly, proteins are also present in each and every cell of body. For minerals, a very good example is that bone. How small amount of other nutrients are present in each cell. ठीक है? अब इसके बाद की स्लाइड मैं कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ, मैं इसको डायरेक्ट बुक से पढ़ाती हूँ। ठीक है? हेलो मैम। हाँ मैम, वाटर 70% होता है ना बॉडी का पार्ट। मुझे समझ नहीं आया, क्या बोले आप? मैम मैं पूछ रही हूँ, 70% वाटर होता है ना बॉडी का पार्ट। यहाँ पे ना बहुत सारी चीज अप्रोक्स में बताई गई है, 75% 70%, ये सब मतलब ये मेरा खुद का ज्ञान नहीं है, ये बुक में जो लिखा था वो मैंने यहाँ पे लाया है, तो वो बुक में वैसे ही लिखा था 65% ऑफ वाटर प्रेजेंट इन बॉडी। ठीक है मैम, मोस्ट ऑफ द बुक्स में ना आपको 70% मिलेगा, मोस्ट ऑफ द बुक्स में। हाँ ये इस बुक में था, मैं अभी आपको उस बुक को ही प्रेजेंट करने वाली हूँ क्योंकि इसका जो थर्ड पार्ट है वो मैं लिख नहीं पाई हूँ। ठीक है, आप एक मिनट वेट करेंगे। एनर्जी गिविंग पढ़ लिया, बॉडी बिल्डिंग पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे ये कोई पूछ रहा था ना कि 65%, देखिए यहाँ पे ही लिखा है 65%, ये मेरा खुद का ज्ञान नहीं था। अब पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ बॉडी प्रोसेस एंड बॉडी प्रोटेक्शन। आप सभी को स्क्रीन विजिबल है? जी मैम विजिबल है। ठीक है, कंफ्यूजन मैम रिगार्डिंग रहेगा, जैसे अब हड्डियां कोई 206 कोई 213 ये सब चीजें थोड़ा बहुत चेंजेस है ही इन चीजों में। हाँ ये चीजें अप्रोक्स हर जगह नहीं रह सकती। ठीक है, अब हम प्रोटेक्शन और रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो इस बुक से पढ़ेंगे। द अदर मेजर फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म बाय फूड आर प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटिव। प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारी हम बहुत सारे ऐसे फूड इंटेक करते हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के काम आते हैं। जैसे आप सभी ने ये सुना होगा कि जब हम योग का अभ्यास करते हैं तो दूध में हल्दी डाल के पीना चाहिए, ये आप बता सकते हैं ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो हमारा। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो मतलब क्या है, प्रोटेक्ट करने के लिए ही तो करते हैं ना हमारी बॉडी को। तो ये फूड का जो फंक्शन होता है वो प्रोटेक्टिव फंक्शन भी होता है। हियर प्रोटेक्टिव रिफर्स टू द रोल ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन बाय इंश्योरिंग प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी सिस्टम एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइटिंग इन्फेक्शन। इवन इफ अ पर्सन डस develop an infection of any type of illness, food and nutrients it contain
फैसिलेट रैपिड रिकवरी। ऐसा कभी कभी होता है कि हमारे बॉडी में इन्फेक्शन हो जाए, पर अगर हम प्रॉपर टाइप ऑफ फूड और न्यूट्रिएंट्स ले तो वो हमारी रैपिड रिकवरी में बहुत हेल्पफुल होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब हम कोई हमें डिसीज होती है, वैसे नॉर्मल डिसीज में ऐसे नहीं होता कि सर्दी खांसी हो गई तो कोई हम अलग टाइप की डाइट ले रहे हैं, फिर भी जो कोई बड़ी रिसर्च, किसी को टाइफाइड हो गया, कुछ हो गया, तो उसमें एक अलग टाइप की डाइट दी जाती है ताकि उनकी रिकवरी रेट जल्दी स्पीड हो जाए, रैपिड रिकवरी हो। सॉरी, अ पर्सन ईटिंग ए पुअर डाइट वुड टेक मच लॉन्गर टू रिकवर, he would get ill more easy as well. जो poor diet लेते हैं, इसलिए आपने देखा होगा जो लोग below poverty line रहते हैं उनमें लोगों को ज्यादा डिसीज होती है, वो बहुत जल्दी जल्दी बीमार होते हैं। ये आप सभी ने सुने, उनमें माल न्यूट्रिशन की भी प्रॉब्लम होती है। अब हम रेगुलेटरी फंक्शन के बारे में जानेंगे। द रेगुलेटरी फंक्शन, कोई बता सकता है कि रेगुलेटरी फंक्शन क्या होता है? मेरी आवाज आ रही है? फंक्शन बॉडी, एक एक बोले, एक बार रश्मि जी बोल ले फिर हेमंत जी बोल ले। बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक, कैटाबॉलिक या एनाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं उनको चलाने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है या उनको रेगुलेट करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है वो फूड से मिलती है, तो इसलिए वो रेगुलेटरी फंक्शन में भी यूज होता है फूड। और हेमंत जी आप क्या बोल रहे थे? सेम, वो रेगुलेट द डिफरेंट फंक्शन of our body. अब हम अपनी बुक में जाएंगे। Regulatory function mentioned earlier refer to the role of food controlling body process. अब regulatory function में क्या क्या आते हैं इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ यहाँ से, फिर आपको समझ आएगा। Beating of heart, maintenance of body temperature, contraction of muscles, each process is controlled. Our body temperature, for example, is maintained 98.4 Fahrenheit or 37 degrees Celsius. Similarly, a rate of which heartbeat is also maintained. This achieved is certain specific nutrients among other substances is known as regulatory function. तो regulatory function में कौन कौन contribute करते हैं इसे ध्यान से देखिए, vitamins, minerals, proteins, ये तीनों चीज हमारे protective और regulatory function में काम करते हैं और water भी इसी का part रहेगा, ठीक है। अब मैं इस minerals और ये fibers वगैरह नहीं आएंगे क्या regulatory function में? क्या क्या एक बार और बोलेंगे? मैं कह रही इसमें विटामिन्स और जैसे फाइबर्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उसमें नहीं आएंगे रेगुलेटरी फंक्शन में? हाँ, ये फाइबर्स भी इसी में ही आएगा। एक सेकंड, फाइबर किसका पार्ट होता होगा? फाइबर्स तो कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है ना? हाँ जी मैम। तो आप बता सकते हैं कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है फाइबर्स रेगुलेटरी फंक्शन, क्योंकि इसमें देखिए ना रेगुलेटरी फंक्शन में बीटिंग ऑफ हार्ट है, तो फाइबर इसका काम थोड़ी करता है। फाइबर का तो काम होता है हमारी बॉडी के डाइजेशन में हेल्प करता, तो वो आपका इधर वाले फंक्शंस में है, एनर्जी गिविंग में है। वैसे वो डाइजेशन वाला जो है वो इसमें कहीं पे दिया ही नहीं है कि रेगुलेटरी फंक्शन। तो अब सिस्टम में आएगा वो, वो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें आएगा वो, हाथों का साफ। ठीक है, अब आप मुझे ये डायग्राम मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में बताया था, अब आप मुझे बताइए फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के अंदर एनर्जी गिविंग होती है वो कौन कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। बॉडी बिल्डिंग कौन करता है? प्रोटीन, वाटर एंड मिनरल्स। अच्छा, प्रोटेक्शन कौन करता है? विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स,
और रेगुलेशन और प्रोटेक्शन तो साथ साथ में ही है, तो इसका रेगुलेटर का एक बार बताइए। रेगुलेटरी का ना एक सेकंड बताती है। ठीक है, आपको मेरे बैकग्राउंड से कुछ नॉइज आ रही है। ठीक है, तो रेगुलेटरी फंक्शन के बारे में पूछ रहे हैं ना, आपका क्या डाउट है एग्जैक्टली आप मुझे बता सकते हैं, फिर मैं उसी हिसाब से बताऊंगी। नहीं मैम, एक बार क्लियर कर लीजिएगा फिर मुझे क्लियर हो जाएगा। ठीक है ठीक है, एक सेकंड में ये इसको ये कुछ फंक्शंस तो मुझे इसको चलाने। ठीक है, रेगुलेटरी फंक्शंस इज मेंशन अर्लियर रिक्वेस्ट। रेगुलेटरी फंक्शन का मतलब क्या होता है? कंट्रोलिंग बॉडी प्रोसेस, जो यहाँ पे लिखा है कंट्रोलिंग बॉडी प्रोसेस। तो रेगुलेटरी फंक्शन के अंदर क्या क्या आएंगे? हमारा हार्ट बीट, हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर मेंटेन करना, और जैसे आपने कभी देखा होगा जो डायलेशन और कॉन्ट्रेक्शंस ऑफ वेसल्स, जैसे कि इसका करेक्ट एग्जांपल कैसे समझाऊं, ये तो जैसे हमारी बॉडी जो होती है वो जब हमें ठंडी लगती है तो हमारे जो गूज़बम्स आते हैं, मतलब जो हमारी रुएं होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, तो इसे बोलते हैं ये बॉडी टेम्परेचर, बॉडी अडेप्ट करती है। ये रेगुलेटरी फंक्शंस के अंदर आता है। जब बाहर गर्मी बढ़ती है तो हमारे बॉडी से स्वेटिंग होती है, तो ये सब जो फंक्शन है ये मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर के अंदर आता है। ठीक है, फिर उसके बाद है ये सब कौन करता है, यहाँ पे लिखा है विटामिन मिनरल्स एंड प्रोटीन, ये सब प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फंक्शन का काम करते हैं। आपको समझ आया? जी मैम, थैंक यू। ठीक है, तो ये फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो मैंने वो साइट स्किप की थी। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स जो होते हैं एनर्जी गिविंग होते हैं, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग होती है। इसलिए आप सभी ने देखा होगा जो लोग जिम जाते हैं या फिर जो लोग एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं वो लोग प्रोटीन का इंटेक ज्यादा करते हैं ताकि उनके बॉडी में मसल्स बिल्डअप हो, और फिर रेगुलेशन ऑफ बॉडी प्रोसेस में विटामिन एंड मिनरल्स आएंगे। ठीक है, ये अच्छे से याद रखेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो फूड्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स उसे कहते हैं जो कि हमारे बॉडी में ज्यादा अमाउंट में जरूरी होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है। इसलिए देखिए हम चावल खाते हैं वो ज्यादा अमाउंट में लेते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ये हम दालें खाते हैं, ये सब हम ज्यादा अमाउंट में लेते हैं। और जो विटामिन मिनरल होते हैं ये किसी किसी फूड में पाए जाते हैं और इसे हम थोड़े थोड़े अमाउंट में लेते हैं। ये जो वाटर है ना ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आएगा। इसको मुझे यहाँ से यहाँ लेना है। मैम दो बच्चे हैं ना पढ़ने के, सामाजिक और मानसिक, उसमें जो तीन प्रकार देखे थे हमने। सॉरी ना वो मैं साइट कंप्लीट नहीं हुई है तो। अच्छा अच्छा ठीक है, एक सेकंड बताती हूँ। साइकोलॉजिकल और सोशल, ये दो वजह बाकी है। ठीक है, तो ये सोशल, एक सेकेंड ना, सोशल फंक्शन क्या होता है इसे देखते हैं। फूड जो होता है, फूड एंड ईटिंग सिग्निफिकेंस, फूड एंड हैज ए सिग्निफिकेंट सोशल मीनिंग। शेयरिंग फूड विद अदर पर्सन इम्प्लाइज सोशल एक्सेप्टेंस। आप सभी ने ये देखा होगा कि जो भी समाज में फंक्शन होते हैं या फिर कुछ भी होता है उसका जो एक
मुख्य कार्य होता है, उसमें हम मील्स भी साथ में शेयर करते हैं, तो इसी को कहा गया है फूड का सोशल फंक्शन। शेयरिंग फूड विथ एनी अदर पर्सन इम्प्लाइज सोशल एक्सेप्टेंस। व्हेन यू शेयर ए मील विथ एनीवन एल्स, यू आर एक्सप्रेसिंग एक्सेप्टेंस ऑफ एंड फ्रेंडशिप एंड रिस्पेक्ट ऑफ द पर्सन। अर्लियर ओनली द पर्सन इंजॉय इक्वल स्टेटस इन सोसाइटी एट टूगेदर। पहले जमाने में ये होता था कि जो लोग एक एक क्लास के जो लोग होते हैं वो लोग एक साथ भोजन करते हैं। आज के टाइम पे तो हम सब एक साथ, सब कोई क्लास ये सब नहीं देखते, सब एक साथ जैसे कॉलेज में है सब बैठ के सब साथ में भोजन करते हैं। पर पहले टाइम पे ऐसा नहीं होता था, जो क्षत्रिय है वो एक अलग टाइम भोजन करते थे, ब्राह्मण का अलग भोजन होता था, सूद जो होते हैं वो अलग भोजन करते थे। तो ये जो है भोजन मतलब फूड का सोशल फंक्शन है। ए पर्सन वुड नेवर शेयर मील विद समवन इंफीरियर टू हिम इन अ सोशल टर्म। ऑफ कोर्स वी ऑब्जर्व कंसीडरेबल चेंज इन दिस रिस्पेक्ट नाउ पर्टिकुलरली इन सिटीज एंड टाउन। ये कहा जा रहा है कि आज के डेट में ये चीज चेंज हो गई है। इन रेस्टोरेंट फॉर एग्जाम्पल एनी पर्सन कैन ईट इन रिस्पेक्टिव ऑफ हिज सोशल बैकग्राउंड इफ ही हैज मनी टू पे फॉर फूड। आज के डेट में आप सभी ने देखा होगा रेस्टोरेंट में ये नहीं देखा जाता है कि आप ब्राह्मण है क्षत्रिय है या कौन है, बस आपके पास पैसे होने चाहिए फूड को पे करने के लिए और आप बैठ के खा सकते हैं। तो ठीक है, तो यही है इसका सोशल फंक्शन। ये सोशल फंक्शन में और भी चीजें आएंगी, जैसे कि देखिए फूड इज ए इंट्रिकल पार्ट ऑफ फेस्टिविटी एनी अदर इन वर्ल्ड। यू मस्ट हैव सोली नोटिस that the joyous occasions such as birth of child, marriage, celebrated have a feast and service dishes. जब हम कुछ फंक्शन करते हैं तो हम सबको खाने पे बुलाते हैं, तो ये सब चीजें जैसे दिवाली हो गया, दशहरा हो गया, पोंगल, ओणम, लोहरी, होली, क्रिसमस, इन सब में जो फंक्शन होता है तो सबको खाने पे बुलाया जाता है। और एक तो ये भी होता है कि जैसे होली हो गई तो होली पे गुजिया बनते हैं, तो ये सब इनके सोशल फंक्शंस हैं जो कि हर फूड हर फेस्टिवल के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार की स्पेशल स्पेशल डिशेज बनती है। ठीक है, और फिर आगे साइकोलॉजिकल फंक्शन। साइकोलॉजिकल फंक्शन का सीधा तात्पर्य इमोशन से होगा। वी ऑल हैव इमोशनल नीड्स सच एज need for security, love and attention. Food is one way through which we need us, through which these needs are satisfied. When a mother prepares her child's favorite dish, the child recognizes the fact that she loves him enough to remember his likes and dislikes. He appreciates the attention given. इसके अंदर आप ये देखेंगे कि जैसे माँ अपने बच्चे को भोजन खिलाती है तो वो एक साइकोलॉजिकल फंक्शन हो गया कि फूड्स के साथ इमोशन भी जुड़े होते हैं। जैसे कि कोई हाँ कोई कुछ बोल रहा है, बोलिए। हाँ जी मैम, हम ये कर सकते हैं ना साइकोलॉजिकल, जैसे कि कभी हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं तो हम बहुत अच्छे से मतलब कम खाते हैं या ज्यादा खाते हैं, जब हम जॉय फील करते हैं या एंग्जायटी। हाँ ये चीजें होती है, और ऐसी भी चीजें होती है जैसे कि कुछ जैसे मेरे साथ अभी हुआ कि मैं अभी एक स्पेसिफिक जगह में रहती हूँ, पहले मेरी बर्थडे कहीं और थी तो मैं उस जगह में गई अभी जहाँ रहती हूँ, और वहां वो चीजें देखी जो पहले मिलती थी, तो वो मेरे इमोशंस के साथ जुड़े हुए थे तो मैं वो चीज लेके आई। तो वैसे हमारे इमोशंस के साथ भी बहुत सारी चीजें जुड़ी होती है कि हाँ हम इसको ऐसे खाते थे, ये सब भी इमोशनल मीनिंग होता है फूड का। ठीक है, और आज हम यही हाँ कोई कुछ बोल रहा है, हमारी साइकी जैसे वो खाना बनाते हैं हमारे जो थॉट्स द वाइब्रेशन ट्रांसफर इनटू फूड जो भी एक कह सकते हैं ना। हाँ ये इनको भी कहेंगे, और जो जैसे सब कह रहे हैं ना अलग अलग प्रकार से कि अभी किसी ने कहा था चॉकलेट के बारे में कहा था, और फिर ये मदर का इमोशंस के बारे में भी होता है कि हमें याद रहता है, जैसे हम अपने ही घर में आपको याद रहता है कि हाँ ठीक है हमारे हस्बैंड को ये खाने में पसंद है तो हम उनको कुछ स्पेशल ओकेजन होता है तो हम ये बनाते हैं कि ठीक है, तो वो इमोशन बताता है कि ये इमोशन